जय हिंद स्वागत करता हूँ आपके न्यूज चैनल एजे स्टडी वाइडी पर साथियों आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एस आई का भर्ती निकल के आउट हो चुकी है रेलवे की तरफ से जो इस वीडियो में शेयर करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और इतना समझ चलो सब तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आई है जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ क्या चीज में कैंडिडेट के जितना भी कैंडिडेट फॉर्म आवेदन करेंगे उन सभी की एलिजिबिलिटी क्या होगी एज क्या होगी एज लिमिट कितने रखेगी क्राइटेरिया क्या है सब कुछ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपका हाइट कितने होना चाहिए चेस्ट कितने चाहिए रनअप कितना होता है फिजिकल कितने होता है सब कुछ पूरा क्लियर कर रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए जितना हो सकता वीडियो तो को जरूर शेयर करना और आप सभी के एक सुनहरा मौका मिला है आरपीएफ के में आप जा सकते हो और यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकल के आ गई है पहला नंबर देख सकते हो बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते कुछ दिन पहले जो है बहुत सारे अभी ट्रेंडिंग में बात चल रही थी रेलवे न्यू वैकेंसी को लेकर लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकल के आई है आरपीएफ के लिए तो आरपीएफ में जो बच्चे जाना चाहते हैं आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं पहले चलिए वो पहले जान लीजिए आपका एज लिमिट कितनी रखी गई है आपका क्राइटेरिया क्या है और क्या कुछ जान लीजिए वीडियो को सबसे शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए आपने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के पास जाते रहेंगे इसलिए चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को जरूर अपडेट कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे देखिए मेरे पास का पी डी मैं ओपन कर लिया हूँ ये ऑफिशियल साइट है नोटिफिकेशन मेरे आउट हुआ है जो मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम कर वहां पर मैं डाल दिया नोटिफिकेशन को तो पहले नोटिफिकेशन को देखने से पहले आप इस चीज को पहले जान लो देखो यार सबसे पहले बता दूँ रेलवे इसका जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ द्वारा यहाँ आपको ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें से टोटल जो पोस्ट रखी गई है बारह पोस्ट की भर्ती रखी गई है क्वालिफिकेशन सब तो क्या मात्र टेंथ पास का क्वालिफिकेशन है टेंथ पास और ग्रेजुएट का ग्रेजुएट एसाई के लिए ग्रेजुएट है बल्कि आर कांस्टेबल के लिए टेंथ पास है तो मौका मिला है आप सभी को पहले जान लो और क्या क्या चीज़ें वो पहले सेलेक्शन प्रोसेस सब तो क्या है, है रिटर्न एग्जाम होगा पी होगा पी होगा डी मेडिकल होगा बस और कुछ नहीं ऑनलाइन अपलिकाई अपलाई डेट जो है जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और दो से यही आठ नौ जनवरी से स्टार्ट हो जा रहा है इसका और फरवरी में लास्ट डेट जो है अप्लाई किया चल जाएगा वेबसाइट का यही वेबसाइट वेबसाइट में नीचे लिंक दे दूंगा वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट का इसका नीचे लिंक दे दूंगा ये दूसरा वेबसाइट है यहाँ पर पोस्ट जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी निकल गई है टोटल जो पोस्ट रखी गई है यहाँ पर सब देख सकते हो टोटल पोस्ट जो यहाँ पर टोटल पोस्ट ऐसे यहाँ पर रखी गई है बारह बट यहाँ पर जो पोस्ट दो बार जैसे आपका कैंडिडेट जो है यहाँ पर अगर कॉन्स्टेबल के लिए जो जाना चाहते हैं नौ हज़ार पोस्ट की भर्ती रखी गई है और तीन हज़ार के आसपास जो है तीन हज़ार प्लस जो भर्ती रखी है एस SI के लिए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मौका मिला है एस SI आई सब इंस्पेक्टर में आप जा सकते हो और आर पी एफ में द्वारा और कॉन्स्टेबल के लिए नौ हज़ार की पोस्ट रखी गई है मात्र मतलब टेंथ पास चाहिए कॉन्स्टेबल के लिए और ग्रेजुएट चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए और यहाँ पर आपको जानकारी बता दो ये जो मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती रखी गई है और यहाँ पर चलिए मेन टॉपिक चलते एज लिमिट क्या है आपका इस बार का तो देखो यार कैंडिडेट जो है अठारह से पच्चीस साल के बीच में हो तो आवेदन कर सकते हो कॉन्स्टेबल के लिए कांस्टेबल के लिए कितना चाहिए अठारह से लेकर बीस साल तक के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए कितना चाहिए बीस से लेकर पच्चीस साल तक के लिए अठारह से लेकर पच्चीस साल, ले साल तक के लिए चाहिए सॉरी अठारह से लेकर पच्चीस साल तक के लिए चाहिए कांस्टेबल के लिए और बीस साल से लेकर पच्चीस साल तक चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए जिसका एक जुलाई दो हज़ार छब्बीस इसका एज गणना की जाएगी जैसे साथियों हो अठारह साल तक आपका एक जुलाई दो से सा अठारह साल पुर जाता है तो आवेदन कर सकते हो उसके एक जुलाई से दो से उसके अकॉर्डिंग ही आपका गणना गन्ना जाएगी एज के लिए तो अलग अलग एज के लिए भी है जैसे यहाँ पर एज लेसन पाँच ईयर ईयर अप्लाई एस सी एस टी एंड थ्री ईयर ओ बी सी ओ बी सी साथ तीन साल भर सकते हो तीन साल तक एस सी एस टी के लिए पाँच ईयर अप्लाई की गई है पाँच ईयर के लिए छूट रखी गई है और साथियों मेन चलिए मेन टॉपिक और चलते हैं यहाँ पर आपका पी एच डी फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा पी एच टी पी एच टी के लिए तो पी एच टी के लिए साथियों आपको जानकारी बता दूँ तो यहाँ दे सकते हो पहले हाइट के लिए सेंटीमीटर में कैटेगरी यू आर ओ बी एस सी एस टी सब के लिए अलग अलग रखी गई है जैसे आप यू आर में ओ बी सी अगर बिलोंग करते हो तो हाइट जो आपका सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए कम एक सौ पैंसठ चाहिए ध्यान रहा मेल के बात कर रहा हूँ यू आर ओ बी सी के लिए एक सौ पैंसठ चाहिए और जबकि फीमेल के लिए एक सौ सत्तावन ही चाहिए एस सी एस टी के लिए बात करूं एस टी के लिए मेल में चाहिए एक सौ साठ सेंटीमीटर और फीमेल में एक सौ बावन सेंटीमीटर चाहिए और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो यहाँ पर जो चेस्ट की बात की जाए लगभग अनएक्सपेक्टेड मतलब कि लड़की लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड लवा अस के आसपास होना चाहिए वो जो तो नॉर्मली होती है लेकिन एक्सपेक्टेड जो है कम से कम पचासी अस्सी से लेकर पचासी के बीच में होना चाहिए यू आर के लिए और ए सी के, के लिए होना चाहिए छिहत्तर से लेकर इक्सी के बीच में समझ में आ गया आप सभी को और यू आर के लिए कितना हो चाहिए अस्सी से लेकर पचासी तक के लिए और ए सी एस टी के लिए हो जाए छिहत्तर से लेकर इक्यासी तक के लिए और यहाँ पर सब जो अगर आप जाते हो गोरखा में जाते हो घरवे हिसाब से घरवाली मराठा और अलग अलग, अलग जहाँ दुगार जो चीज़ दिया गया यहाँ पे उस सब चीज़ में अलग अलग जिसे आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी भर्ती है यहाँ पे एक सौ तिरसठ चाहिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है आप देख सकते हो उधर अब चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं फिजिकल में रनिंग के लिए तो सोलह मीटर रन होगा आपका पाँच मिनट पैंतालीस सेकेंड में बॉयज़ के लिए है ये मेल के लिए है पाँच मिनट पैंतालीस सेकंड में आपका सोलह सौ मीटर रनिंग होगा बहुत आसान है पाँच मिनट में सोलह सौ मिनट पैंतालीस सेकंड में सोलह मीटर कुछ भी बड़ी बात नहीं है बस आपका एक बार थोड़ा सा मेहनत नहीं चाहिए भैया क्योंकि आर्मी के लिए पाँच मिनट में सोलह मीटर होता है लेकिन पाँच मिनट पैतालीस सेकेंड आपको ज़्यादा मिल जाए पैंतालीस सेकंड यानी सोच रहे हो कि कम से कम नहीं तो पैंतालीस सेकेंड में कम से कम तीन मीटर एक्स्ट्रा मरेगा आर्मी वालों के लिए तो इस चीज़ के लिए पाँच आपको सोलह मीटर मारना है तो मौका मिला है वही है मत और फीमेल के लिए तीन मिनट चालीस सेकंड में आठ सौ मीटर तीन मिनट चालीस सेकंड में आठ सौ मीटर यानी मेल के आधा मारना है मात्र तीन मिनट चालीस सेकंड में लगभग चार मिनट में तो आप मेहनत कीजिए हो जाएगा और यहाँ पर मेल के लिए साथ चालीस चौदह फीट आपको लॉन्ग जंप होगा और चार फीट जो है हाई जंप होगा फीमेल के लिए नौ फीट होगा लॉन्ग जंप और तीन फीट हाई जंप और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए बात की जाए सब इंस्पेक्टर के लिए अलग कैटेगरी रखी गई है सब इंस्पेक्टर के बात किया जाए यहाँ पर पी एच टी पी के लिए तो मेल के लिए जो रखे गई यहाँ पर यू आर ओ के लिए मेल में एक सौ पैसठ सेंटीमटर फीमेल में एक सौ सतावन सेंटीमीटर ए सी एस टी के लिए एक सौ साठ सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए एक सौ बावन सेंटीमर इंस्पेक्टर जो है अस्सी से लेकर पचास के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर रखा गया है यू आर ओ के लिए और ए सी एस टी के लिए जो रखा गया है यहाँ पर तो छिहत्तर पॉइंट टू से लेकर नाइटी वन पॉइंट टू तक रखना चाहिए चेस्ट का मेजरमेंट सेंटीमीटर के में और इधर इस सबसे पढ़ सकते हो आप लोग और साथ तो मेन ऑफ इधर चाहिए आप सभी को बता दी अब एस एस के बारे में बता दो आप सभी को जो रनिंग रखी गई है छः मिनट तीस सेकंड में सोलह सौ सो मीटर भैया छः मिनट तीस सेकंड यानी छः तीस अट्ठारह एक सौ अस्सी और दो सौ दस सेकेंड में यहाँ पर सोलह सौ सो मीटर कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है इतना मिनट में आपको मारना कुछ भी नहीं है समझ में आ गया ना भाई कुछ भी नहीं है छः पाँच तीस और यहाँ पर मतलब एक तरह तो से मौका मिला है मिनट तीस सेकेंड में आपको सोलह मीटर कुछ भी नहीं है अब थोड़ा सा मेल के लिए और फीमेल के लिए चार आठ सौ मीटर मारना है चार मिनट में वो भी कुछ नहीं है एक मिनट में दो सौ मीटर भाई क्या है एक मिनट में दो सौ मीटर मैंने सौ तो मीटर के लिए मात्र मतलब तीस सेकंड जो दस बारह सेकंड में सब पूरा कर रहे थे बारह से पंद्रह सेकंड में सौ मीटर मारा जाता है तो आपको जो है यहाँ पर चार मिनट में आठ मीटर मारना है बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए लॉन्ग जंप बारह फीट है और हाई जंप जो है तीन फीट नौ इंच है और फीमेल के लिए नौ फीट लॉन्ग जंप है तीन फीट जो है हाई जंप रखा गया है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जो क्वालिफिकेशन में आपको बता दिया टेंथ पास जो है कॉन्स्टेबल के लिए है और यहाँ पर साथियों आपका जो है टेंथ पास होना चाहिए तो किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जैसे आपका हो गया मान्यता प्राप्त स्कूल से टेंथ पास होना चाहिए और यहाँ पर जो है ग्रेजुएट जो बच्चे जो है यहाँ पर ओप आवेदन कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको जानकारी पूरा कर दी मैंने अब आर पी एफ कॉन्स्टेबल साइज सिलेबस देख लो जनरल अवारस से 50 मार्क्स के आएगा 50 क्वेश्चन रहेंगे आर्थमेटिक्स से जाके 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आएंगे 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर का क्वेश्चन है सभी अब चलिए इधर बात किया जाए कॉन्स्टेबल का जो पे कितना सब देखो जितना ही सब क्वेश्चन है सब आपको नब्बे मिनट में सोल्यूशन करना है और रॉन्ग आंसर में एक बटन थर्ड नंबर अलग से काटा जाएगा एक और तीन ठो गलती होता है तो आपका एक थ्रो सही वाला में से ही काटा जाएगा और यहाँ पर सब तो जो जो कांस्टेबल का जो है इक्कीस हज़ार सात सौ से स्टार्ट होगा आप सभी का पर मंथ से और पैंतीस हज़ार चार सौ जो है यहाँ पर एसआई आई सो होगा सब इंस्पेक्टर के लिए आरपीएफ रिक्वायरमेंट सब इंस्पेक्टर ये सब पर सबसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पी ए होगा डॉक्यूमेंट वेरफिकेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसके क्राइटेरिया अपलीकेशन भी साथ हो यहाँ पर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एग्ज़ाम एक्सम के लिए जो है नील है फ्री है और फॉर ऑल अदर के लिए दूसरा चीज़ के लिए सौ रुपये रखी गई है सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए कॉन्स्टेबल के लिए हाउ टू अप्लाई अप्लाई सर तो ऑफिसर साइड से जाकर कर सकते हो इसके भी नीचे लिंक दे दूंगा मैं और नीचे लिंक टेलीग्राम पर डाल दें सब कुछ डिटेल्स आपको पूरा क्लियर कर दूँ और आप भरने वाले को नहीं होगी मेरे को जरूर बताना और भरने हो तो जरूर बताना आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगा आप भर लो मौका मिला है आप सभी के लिए एक बार जो है आप सभी जरूर भरो क्योंकि बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और आप लोग रेलवे का इंतजार करते रेलवे तरफ से आपको भर्ती निकल के आ भी गई है तो इसका फायदा जितना हो सके जो उठाओ और कोई भी डाउट होता है कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कर जरूर पूछो चलो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन करना तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद बंद माथुर